बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जो पांच देश रत्न मार्ग पर स्थित सरकारी बंगला है उसको लेकर के आज पटना हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। दरअसल इस सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि तेजस्वी के बंगले पर आगे और हाई कोर्ट में बहस होगी कि नहीं होगी। दरअसल पटना हाई कोर्ट में जस्टिस ज्योति शरण की एकल बेंच के मकान खाली करने के आदेश को तेजस्वी ने चुनौती दी थी। इस मामले पर आज 26 नवंबर को कोर्ट ये तय करेगा कि आगे की सुनवाई होगी या नहीं होगी। चीफ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ तेजस्वी के अपील पर सुनवाई करने वाली है। पटना हाई कोर्ट में इस सुनवाई में तय किया जाएगा कि तेजस्वी की याचिका पर आगे बहस होनी है या नहीं होनी है। बता दें कि तेजस्वी यादव को उपमुख्यमंत्री रहते हुए पांच देश रत्न मार्ग वाला बंगला आवंटित किया गया था और उसके बाद सुशील मोदी के उपमुख्यमंत्री बनने के बाद यह आवास उन्हें आवंटित कर दिया गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के सरकारी बंगले पांच देश रत्न मार्ग को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले हफ्ते तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सरकारी आवास एक अड़े मार्ग पर सीसीटीवी लगवा कर उनके बंगले की जासूसी करवा रहे हैं। बंगला बचाने के लिए वो कोर्ट भी गए लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। दरअसल 1.5 साल पहले आरजेडी के हाथों से सत्ता जाने के बाद बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री के तौर पर आवंटित बंगला खाली करने को कहा था। सरकार ने तेजस्वी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में एक पोलो रोड का बंगला आवंटित किया जिसमें फिलहाल उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी रह रहे हैं। भवन निर्माण विभाग ने तेजस्वी यादव का बंगला सुशील कुमार मोदी जो कि उपमुख्यमंत्री के तौर पर आवंटित कर दिया गया है, लेकिन पिछले 1.5 साल से तेजस्वी यादव अपना बंगला खाली नहीं कर रहे हैं। इसे बचाने के लिए पटना हाईकोर्ट तक चले गए हैं जिसको लेकर के आज पटना हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। जाहिर है कि इससे पहले भी तेजस्वी यादव के बंगले को लेकर के काफी विवाद होता रहा है और जाहिर है विवाद होना भी है क्योंकि जब वो डिप्टी सीएम के पद पर थे, जब वो सरकार में थे तो उनको वो बंगला अलॉट किया गया था, लेकिन जैसे ही सरकार उनकी गई और वो सरकार से बाहर हुए उसके बाद वो डिप्टी सीएम नहीं रह गए। अब वो नेता प्रतिपक्ष हैं तो इसलिए उनको डिप्टी सीएम का जो बंगला है वो छोड़ना पड़ेगा, ऐसा सरकार कह रही है। अब इसको लेकर के महेश्वर हजारी जो है मंत्री है बिहार सरकार के, उन्होंने पटना के डीएम कुमार रवि को यह आदेश भी दे दिया है कि उनका बंगला खाली करवाया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार ये बात कह रहे हैं कि वो अभी बंगला खाली नहीं करेंगे क्योंकि मामला कोर्ट में है। जब उनसे पटना में पत्रकारों ने बात किया और सुशील मोदी के बारे में सवाल जब किया गया तो उन्होंने कहा सुशील कुमार मोदी तो पहले से रह ही रहे हैं, अभी जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है, उन्होंने इसके लिए आगे सुनवाई की याचिका डाली थी और अब उस मामले में क्या कुछ होगा आज हाईकोर्ट में देखना होगा। हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें।